दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22x36 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसका ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मॉडल को डिजाइन किया है। और इस मॉडल की अगर हम बात करें, खासियत यह है कि जो आपको स्टेयर्स मिलेंगी वो बाहर से ही मिलेंगी ऊपर तक, साथ साथ कार पार्किंग भी मिलती है और बेस्ट फ्रंट एलिवेशन मिलता है और आपको एक अलग सा बिल्कुल लुक देखने को मिलता है इस घर में। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका साइज़ की अगर हम बात करें तो 22 फीट फ्रंट है और 36 फीट इसकी लंबाई है। तो 22x36 में यह हाउस मैंने प्लान किया है, इसी मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे। तो बने रहें वीडियो में लगातार। मैं हूं पंचागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाली सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इससे मॉडल की बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप अपनी कार पार्किंग कर पाएंगे। इसलिए मैंने जो डोर दिया है, जो गेट दिया है, वो सिंपल दिया है। इसे जैसे आप ओपन करेंगे, ये पिलर टाइप के देख रहे हैं डिजाइनिंग के पर्पज़ से, तो आपका ये पार्किंग एरिया पूरा 18 फुट का लगभग मैंने यहाँ पर दिया है। जस्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्टेयर्स है जो कि आप यहाँ से चढ़ेंगे और टर्न होकर फिर से अंदर की तरफ ही आ जाते हैं। ये देखिए, स्टेयर्स को मैंने यहाँ पर ओपन रखा है, अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये फ्रंट में एक बेडरूम मैंने दिया है। इस बेडरूम के लिए डोर और विंडो यहाँ पर दिए, तो एक ही बड़ा सा बेडरूम आपको फ्रंट में मिल जाता है, कार पार्किंग। इसके बाद ये डोर है, साइड में विंडो है, जिससे आप एंट्री करेंगे तो आप पहुँच जाते हैं हॉल में। इस हॉल से अगर हम बात करें तो इस कॉर्नर पर एक बेडरूम मैंने क्रिएट किया है और ये लेटेंट बाथ का एरिया है। ये जो आपका है पूरा किचन एरिया है, मैंने यहाँ पर ओपन ही किचन रखा है। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इसे क्लोज करते हैं। क्लोज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको ये हॉल टाइप का भी मिल जाएगा और दो बेडरूम 22x36 में दो बेडरूम मिल जाते हैं, कार पार्किंग का एरिया मिल जाता है, किचन, लेटेंट बाथ, स्टेयर्स के नीचे आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल के मॉडल की बात करें तो ये 22x36 फिट का फ्रंट एलिवेशन और ग्राउंड फ्लोर है। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से आएंगे तो पीछे की अगर हम बात करें, बेडरूम, लेटेंट बाथ वगैरह तो सेम ही है। ये पूरा बेडरूम आपको सेम मिलता है, ये वाला भी बेडरूम, ये आपका अगर हम बात करें ये किचन एरिया, ये लेटेंट बाथ एरिया और ये आपका फ्रंट एलिवेशन जो आपकी रेलिंग है ये। और ये देखिएगा, डिजाइनिंग के पर्पज़ से मैंने ये जो आप जिगजैग मोशन का देख रहे हैं डिजाइन, ये क्रिएट किया है। तो ये पूरा ओवरऑल इसका फर्स्ट फ्लोर है जो कि सिमिलर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की तरीके से जो कार पार्किंग वाला एरिया था वो आपका यहाँ पर एज अ बालकनी यूज होगा। सेम टू सेम यही बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पर मैंने क्रिएट किया है, सिर्फ बस आपका जो नीचे स्टेयर्स थी उसको यहाँ पर रेलिंग में तब्दील कर दिया है और सारी डिटेल वही है, वही बेडरूम दोनों, आपका हॉल, किचन, लेटेंट बाथ। फ्रंट की बात करें तो मैंने लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ से बाउंड्री 4 फीट का और फ्रंट में जो नीचे वाला डिज़ाइन था वो कॉपी कर दिया है। तो ओवरऑल 22x36 फीट में पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, सबसे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। और यदि आप इस मॉडल को कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, साथ साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।